हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैं आपको एक ऐसे प्लान के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी स्कीम के बारे में बताऊंगा जो आपको जिंदगी भर बैठा के खिला सकती है, जिंदगी भर बिठा के खिला सकती है, यानी कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप काम मत कीजिए, हमेशा हमें हर टाइम काम करना चाहिए, अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। लेकिन ये ऐसा प्लान है कि आप इस प्लान के जरिए जिंदगी भर बैठ के भी खा सकते हैं, यानी कि आपको रेगुलर इनकम सोर्स हो जाएगा। या फिर ये कहें सिर्फ जिंदगी भर तक नहीं, आपके जाने के बाद आपके आपकी जो अगली पीढ़ी है वो भी बैठ के खा सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसे प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको हम कह सकते हैं, कहते हैं SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को हम समझें उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जैसे देखिए, मैं ये कहूँगा आपसे कि सपोज दैट मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूँ, 10 लाख रुपए दे दूँ मैं आपको, और मैं आपसे कहूँ, मान लीजिए मैं 10 लाख रुपए आपको दे दूँ और मैं आपसे कहूँ कि आप 1 लाख रुपए हर महीने मेरे से ले लीजिए खर्चा के लिए हर महीने, तो ये 10 लाख रुपए कब तक चलेंगे? मात्र 10 महीने तक चलेंगे। 10 लाख रुपए आपको आप दे रहे हैं मेरे को, मान लीजिए मैं दे रहा हूँ आपको 1 लाख रुपए हर महीने दे रहा हूँ, मान लो 10 लाख रुपए आपके 1 लाख रुपए हर महीने आपको दे रहा हूँ, 10 महीने तक चलेंगे और उसके बाद में ये कैपिटल हो जाएगी ख़त्म। लेकिन यदि इस पे अगर आपको 15% का रिटर्न मिल जाए, इस 10 लाख पे आपको 15% का रिटर्न मिल जाए और आप इस 15% का, मान लीजिए जैसे कि मैं कहता हूँ विड्रॉल के अंदर, SWP के अंदर हमें 6 से 8% तक का विड्रॉल करना चाहिए एनुअली, तो मान लीजिए अगर इसमें से आप 8% भी निकाल रहे हैं पैसा, तो बचा 7%, तो पैसा बढ़ रहा है ना आपका, 7% के पैसे की क्या इंक्रीज हो रहा है, पैसा बढ़ रहा है, तो 7% जो पैसा बढ़ रहा है यानी कि आपका पैसा ये कभी ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ना, 7% आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप 8% निकाल रहे हो, मान लीजिए कोई आपको 15% दे रहा है और आप उसमें से क्या निकाल रहे हैं, 8% निकाल रहे हैं या 6% निकाल रहे हैं, तो क्या वो पैसा कभी ख़त्म होगा? कभी ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा चलता रहेगा। लेकिन कब ख़त्म हो जाएगा? 15% आपको पैसा मिल रहा है, 15% निकालते जाएंगे आप या फिर उससे ज़्यादा निकालेंगे तो आपका पैसा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए अब क्या करते हैं कि SWP के प्लान के अंदर क्या होता है कि कोई एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास 40 लाख रुपये आपके पास हैं, एक एग्जाम्पल ले लिया है मैंने, किसी की इसमें आपको 5 लाख की हो गई, किसी की 10 लाख की हो गई, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 1 करोड़, किसी 2 करोड़। ये बेसिकली प्लान ऐसा प्लान होता है जिसके अंदर आपके पास पहले एक पैसा होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं लमसम अमाउंट होना चाहिए, या फिर आपके पास कहीं से मान लीजिए LIC से कहीं से पैसा आ गया, या फिर आपको कहीं आपके खेत वगैरह हैं आपके, वहाँ से लगान वो आती है ना, वैसे भेज आती है वो आगे पैसा, या यानी कि सीधी बात ये होती है कि आपके पास पैसा कहीं से इकट्ठा मोटा पैसा आ गया, ठीक है, एक नंबर का पैसा आ गया और उस एक नंबर के पैसा मान लीजिए आपका आ गया और आपने उसको एक सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दिया। कहाँ पे कर दिया मैं आपको भाई बताऊंगा, पर कैलकुलेशन करके समझ लेते हैं कि SWP से हम कैसे अपनी ज़िंदगी भर पैसा कमा के खा सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, SIP क्या करती है, आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होती है, और ये जो SWP प्लान है ना, ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का भाव है, ठीक है। कैसे है, देखिए आपको लमसम अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे 40 लाख रुपए डाल दिए, 40 लाख रुपए मान लीजिए आपके पास कहीं से आ गए, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 40 लाख रुपए, 40 लाख 5 कीजिए कितने भाई, इकाई ढाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 40 लाख करिए ना, ठीक है, ये 40 लाख रुपए हो गए आपके पास, कहीं से पैसा 40 लाख रुपए आ गया और उसको आप विड्रॉल कितना कर रहे हैं। देखिए, विड्रॉल करने का फॉर्मूला क्या होता है कि आप 40 लाख का कितना, 40 लाख का आप निकाल लीजिए परसेंटेज 6%, ठीक है, 6% इसका निकालेंगे 40 लाख का तो कितना आएगा, मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। तो आप जब 40,000 का 40 लाख का 6% निकालेंगे तो वो करीब आपका 2.4 लाख रुपीज़ हो रहा है, यानी कि अगर आप इसको 12 से भाग दे देंगे तो आपको 20,000 रुपये पर मंथ हो रहा है, ठीक है, 20,000 रुपये पर मंथ, यानी कि आपको, देखो ऐसा होता है कि 6% 8% बताया गया है कि जब आप किसी पैसे को एक साथ कहीं पैसा रखते हो, लमसम रख देते हो, तो उसका 6 से 8% के बीच में अगर आप विड्रॉल करते हो तो वो अच्छा अमाउंट माना जाता है, क्योंकि अगर आप अपने कैपिटल को ही ख़त्म कर दोगे, जो आपकी मान लीजिए 40 लाख की कैपिटल है, अब इसमें आप ज़्यादा विड्रॉल करोगे पैसे को, यानी कि जो पैसा बन रहा है, ब्याज मिल रही है आपको, उससे ज़्यादा खर्च करोगे तो आपकी कैपिटल ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो क्या करा जाता है कि 6 से 8% का जो पैसा होता है एनुअली, उसी को निकाला जाता है। तो आप 40 लाख का अगर 6% आप निकालेंगे तो वो करीब 2.4 लाख रुपीज़ आ रहा है, यानी कि आप सालाना के
240,000 रुपये निकाल सकते हैं इस अमाउंट के, यानी कि आपका 12 महीना का जब 12 का डिवाइड करेंगे तो आपका 20K रुपीज़ आपको महीने के मिल जाएंगे। यानी कि आप 40 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आप 20,000 रुपये पर मंथ आपको इनकम मिलती रहेगी, आपको इनकम सोर्स होता रहेगा। चलिए SWP पे कैलकुलेटर पे थे हम लोग और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 40 लाख आपने डाल दिए, विड्रॉल पर मंथ कितना कर रहे हैं, विड्रॉल पर मंथ 20,000 रुपये कर रहे हैं आप, ठीक है 20,000 रुपये पर मंथ निकाल रहे हैं। और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 14% ले लेते हैं, ना ज़्यादा ना कम। 14% क्यों ले रहे हैं हम लोग, कि 14% म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में आपको मिल ही जाते हैं, 14 ही नहीं आपको ज़्यादा भी मिल जाते हैं, लेकिन हम फिर भी रेयर से रेयर कंडीशन लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए मार्केट ख़राब रहता है, मार्केट में कोई सिचुएशन बेकार रहती है, तो आपको 14% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। अब देखिए अगर आपका ये 5 साल तक आप करके रखते हैं ऐसा कि 40 लाख रुपये डाल दिया आपने, 20,000 रुपये हर मंथ आप ले रहे हैं और 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है आपको एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CAGR मिल रहा है आपको, तो आप देख रहे हैं कि आप टोटल विड्रॉल कितना कर चुके होंगे 5 साल के अंदर, 12 लाख रुपये, और 60 लाख की आपकी कैपिटल हो चुकी होगी, यानी 40 से 60 लाख भी हो जाएंगे आपकी मैच्योरिटी अमाउंट और आप 12 लाख रुपये उसके निकाल चुके होंगे। अब इस अमाउंट को आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 10 साल कर दीजिए, मान लीजिए अगर ऐसा 10 साल तक चलता रहा तो 10 साल में कितना 24 लाख रुपए आप निकाल चुके होंगे और वो 40 लाख के ना करीब 98 लाख हो जाएंगे, नियर बाई 1 करोड़ रुपीज़ हो जाएंगे। अब इसी चीज़ को मान लीजिए आप कह रहे हैं, मैंने कहा ना जिंदगी भर, मान लीजिए 30 साल तक ऐसा करते रहे तो 30 साल तक आप 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप करीब 72 लाख रुपये निकाल चुके होंगे और आपकी जो कैपिटल यानी कि मैच्योरिटी अमाउंट आपका क्या हो गया होगा, 11 करोड़ 28 लाख रुपये आपके हो चुके होंगे, 11 करोड़ 28 लाख। अब देखिए आप 20,000 रुपये पर मंथ आप निकालते जा रहे हैं, आपका अमाउंट 72 लाख रुपए हो गया 30 साल के अंदर और आपका करंट अमाउंट कितना होगा 11 करोड़ की आपकी मैच्योरिटी अमाउंट हो गया, यानी कि आपका पैसा बढ़ता चला जा रहा है, घट रहा नहीं है। अब चूंकि 20,000 रुपये आप पर मंथ निकाल रहे हो और आपकी कैपिटल बढ़ती जा रही है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है, फिक्स थोड़ी हो गया है कि आप 20,000 ही निकालोगे, 20,000 से कम नहीं निकालोगे, 20,000 से ज़्यादा नहीं निकालोगे, आप इस अमाउंट को 20 से ज़्यादा भी कर सकते हो, 40,000 भी कर सकते हो बाद में। मान लीजिए आपने 20,000 रुपये आपकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है तो आपने 10 साल तक निकाला, उसके बाद में आपकी जो भी कैपिटल होगी उसका 6 या 8% निकाल के देखिएगा, उसके हिसाब से फिर आप अपने जो आपका विड्रॉल जो अमाउंट है उसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपके पास एक लंबा मोटा अमाउंट है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, तो आप उस अमाउंट को एक बार इन्वेस्ट कर दीजिए और उसके बाद में आप मंथली रेगुलर इनकम पा सकते हो। तो यही होता है आपका SWP, यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी सिस्टमैटिक तरीके से आप पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके रिटर्न अगर 15% मिल रहे हैं, 14% मिल रहा है, तो आप उसका कम पैसा निकालिए उससे, नहीं तो आपका क्या होगा 15% मिल रहा है। देखो अब ऐसा भी नहीं होगा हमेशा कि आपको 15% नहीं मिलेगा रिटर्न, 14% मिलेगा, कभी कभी क्या होता है आपको 12% ही मिल रहा है, 10% ही मिल रहा है। इसीलिए कहा गया है कि जो सिस्टमेटिक तरीके से जो पैसा निकालते हैं वो आपको एनुअली जो भी आपकी कैपिटल है उसका एनुअली 6-8% आपको विड्रॉल करना चाहिए सालाना, और उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, जिससे कि आप हर महीने आपको इतनी किस्त मिल सकती है, आपको पैसा मिल सकता है जो कि आपके खर्चे वगैरह के लिए स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि हमें कितना विड्रॉल करना चाहिए, तो मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि हमें 6 से 8% सालाना के हिसाब से पैसा विड्रॉल करना चाहिए। अब ये किस तरह के लोगों के लिए बेनिफिशियल रहता है SWP, देखिए सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान बेसिकली ऐसे लोगों, मैंने कहा ना कि जिंदगी भर बैठे रहिए काम मत कीजिए, ऐसा नहीं है, ये उन लोगों के लिए जैसे कि सपोज दैट अगर आपकी आज क्या है आप जॉब कर रहे हैं लेकिन आपके खर्चों से काम नहीं चल रहा है, आपको एडिशनल सोर्स चाहिए, आपको एडिशनल इनकम चाहिए कि भैया मेरे को ना मेरा खर्चा ही नहीं चल रहा है मेरी सैलरी से, तो मुझे और आपका पैसा इकट्ठा कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो कहीं पर रखा हुआ है उसको फालतू जगह से निकाल करके यहाँ पर डाल दीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर, तो यहाँ से क्या होगा आपका पैसे पर अच्छी वैल्यू मिलेगी और आपका मंथली सोर्स इनकम एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा जिससे आपके खर्चे वगैरह पूरे हो जाएंगे। या फिर ऐसा कह सकते हैं किसी कारणवश, भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ होता है, कभी हादसा हो जाता है, कभी हमारी LIC पॉलिसी पूरी हो जाती है, या किसी के साथ हादसा हो गया, या कहीं से पैसा मिल जाता है, मान लीजिए 10, 20, 30 लाख, 50 लाख, या किसी के रिटायरमेंट में पैसा मिल जाता है और हम उस पैसे को बेकार ना करें, यूज़ में लें, तो हम ऐसे पैसे को भी हम क्या कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में लगा सकते हैं और उस पैसे से हम सालाना यानी कि महीने महीने हम पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। सब वो डायरेक्ट एग्जाम्पल एक बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई बंदा था एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट से उसको मुआवजा मिल गया 50 लाख का, वो विकलांग हो गया काम कर नहीं सकता है, तो उस 50 लाख को 30 लाख को 10 लाख को हम म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं और उससे हम अपना जीवन पर्यंत जीवन निर्वाह कर सकते हैं, ठीक है ना। तो SWP आपके पैसे खर्चे को मैनेज करने के लिए, पैसे एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए, या कोई समस्या आ गई उसके लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए बेनिफिशियल रहता है। और वैसे तो कोई भी इस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है,
मंथली इनकम जनरेट करने के लिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मैंने एक घर बेच दिया था अपना, मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैं इसका क्या करूं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड डाल दीजिए और मंथली इनकम आपकी जनरेट होती रहेगी और उस पैसे पर पैसा भी मिलता रहेगा आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती रहेगी, तो ये भी आप कर सकते हैं। अभी बात आती है कि हम किस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करें। देखिए, अब किस तरह के म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बेसिकली आपके पास अमाउंट क्या है, लमसम है, बहुत बड़ा अमाउंट है, और आप जब बहुत बड़े अमाउंट को एक साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक दो साल में आपको नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आप चलेंगे तो आपको रिटर्न नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। अब इसके अंदर चूंकि आपको अगर रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आपके पास इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड में क्या रहता है कि आप देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी अगर डूबेगी तब पैसा आपका डूबेगा या फिर लॉस होगा, नहीं तो देश की इकोनॉमी अगर बढ़ती चली जाएगी तो आपका पैसा भी क्या है, बढ़ता चला जाएगा और सेफ रहेगा। म्यूचुअल फंड में जैसे कि लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, बेसिकली जो मैन होते हैं इक्विटी के अंदर, उसके अंदर आप इंडेक्स फंड में डालते हैं, तो इंडेक्स फंड में क्या होता है कि ना के बराबर रिस्क होता है, ना के बराबर, क्योंकि देश की इकोनॉमी जब तक अच्छी है आपके पैसे को कोई टच नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 12-13% के रिटर्न मिल जाते हैं नॉर्मली, ठीक है ना। अगर आप पिछले 10 साल की बात करेंगे तो वहाँ पे 14-15% तक के भी रिटर्न मिले हैं, किसमें, इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। और स्मॉल कैप की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको 20% भी मिले हैं, 25% भी मिले हैं पिछले 10 साल के अंदर, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिसके अंदर, तो वहाँ पे आप 16-17% के रिटर्न भी देख सकते हैं। कुछ मिड कैप म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें आपको 17-20% के रिटर्न भी मिले हैं। और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में क्या रहता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क होता है लार्ज कैप के अंदर, वहाँ पे आपको 14-15% के रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाते हैं। तो आप इस तरह से अपने आप सारा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड में ना डाल के अलग अलग म्यूचुअल फंड में डालेंगे, अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे, इससे क्या होगा कि आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा और आपका रिस्क भी मिनिमाइज हो जाएगा। तो गाइज, इस तरीके से आप SWP का फ़ायदा उठा करके अपने जीवन के अंदर एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी और बेहतर हो सकती है। आपको वीडियो दीजिए जानकारी के लिए, प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर।